जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग पे। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो गेट पढ़ चुके हैं उसका आज प्रैक्टिकल करेंगे, यानी कि उसमें जो IC थे उनका IC का ऑपरेट करके देखेंगे उसमें जो इनपुट होता है आउटपुट होता है वो कैसे काम करता है। आप जो हमारे हाथ में देख रहे हैं हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की किट है, इसमें बहुत सारी IC हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन IC को देख के आप परेशान मत होइए, ये एक एक IC आप समझोगे अच्छे समझ में आ जाएगा। इसमें जो पावर सप्लाई दिया जाता है यहाँ से AC पावर सप्लाई दी जाती है, इसमें ये जो टर्मिनल होता है इससे AC पावर सप्लाई दी जाती है, और इन ICOs पे इसमें काम किया जाता है, सारे गेट और गेट एंड गेट नॉट गेट सारे गेट के ICs में लगाई गई है। इन पे हम इनपुट लेंगे और यहाँ से आउटपुट देंगे। ये सारे इनपुट के टर्मिनल हैं हमारे ग्राउंड के, ये सारे ग्राउंड के हैं, ये प्लस 5 वोल्ट के VCC के लिए हैं, और ये सारी IC हमारी है, इसी पे हम वर्क करेंगे। इसको IC देख के आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि ICs में बहुत सारे पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की IC इसमें दी गई हुई, तो जो IC आपको बताया जा रहा है उसी IC पे आप कंसंट्रेट कीजिए और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा इसमें कितना कुछ दिया गया है। आज हम यूनिवर्सल बेसिक गेट हैं और गेट एंड गेट नॉट गेट इनका प्रैक्टिकल कर लेते हैं, उसके बाद यूनिवर्सल गेट का कर लेंगे, फिर जितने प्रैक्टिकल हमारे फ्लिप फ्लॉप हो गए या फिर जो हमारा 7 सेगमेंट होगा वो सब इस किट में हमारा दिया गया है, सब कुछ हम इसमें देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला गेट हम लेते हैं और गेट, पहला गेट हमारा है और गेट। और गेट का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, उसमें दो इनपुट होते हैं ए और बी, आउटपुट में हमें क्या मिलता है ए प्लस बी, यानी कि वो ऐड करता है। तो इसका ट्रुथ टेबल हमारा क्या है, तो 0 0 0 0 पे क्या मिलता है 0 मिलता है, 0 1 पे 1 मिलता है ऐड करने पर, और 1 1 0 पे 1 मिलता है। यहाँ पे 1 का मतलब है ऑन, LED ऑन रहेगी, और 0 मतलब है ऑफ। इसे हम हाई भी कहते हैं और इसको हम लो भी कहते हैं, ये हमारा लो हो जाएगा। तो 1 और 0, ये 1 का मतलब ऑन यानी कि LED हमारी ऑन होगी, और 0 मतलब LED हमारी ऑफ होगी। तो ये और गेट का सिंबल होता है, ट्रुथ टेबल होता है। तो हम इस वाली किट पे आके आपको दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है, ये हमारी किट है। तो ये हमारी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स किट। इसको हम पहले यहाँ एक स्विच लगा हुआ है आप देख सकते हैं ये वाला, इसे हम इसको ऑन करेंगे, इस पर आती है AC पावर सप्लाई, ये हमारा यहाँ से ऑन हो जाता है। अब यहाँ पे सारे IC हैं जो गेट की IC हैं, तो हम सबसे पहले और गेट लेते हैं। और गेट का IC नंबर होता है 7432 जो कि और गेट, यहाँ पे आप सिंबल भी देख रहे होंगे और इसका जो इक्विवेलेंट होता है A+B होता है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारा और गेट की IC, इसी पे हम वर्क करेंगे, इसी से इनपुट आउटपुट लेंगे। तो इसको ऑपरेट करने के लिए आप सबसे पहले देखें यहाँ पे 14 नंबर पिन जो हमारी है ये VCC यानी कि इसको +5 वोल्ट देंगे, उसके बाद 7 नंबर पिन जो हमारी है ग्राउंड है यानी कि इसको हम ग्राउंड देंगे जो कि यहाँ से देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंड हमारा है +5 वोल्ट जो है VCC का काम करता है, A VCC हम इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे और ग्राउंड को हम सीधे पिन नंबर 7 पे कनेक्ट करेंगे जो कि हमें IC को ऑपरेट करने के लिए जरूरत पड़ती है। और इसके लिए जो इनपुट का सिग्नल होगा, इनपुट के सिग्नल हमारे यहाँ से मिलेंगे क्योंकि ये सारे स्विच हमारे, ये स्विच से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, 0 1 कर सकते हैं, इसलिए हम इनपुट जो देंगे यहाँ से देंगे। और आउटपुट जो होगा, आउटपुट की LED देखो यहाँ पे आपके कुछ दिखाई दे रही होंगी, ये हमारी आउटपुट LED होंगी, यहाँ से हम आउटपुट देखेंगे 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है। तो इनका कनेक्शन करने के लिए हम कुछ जम्पर वायर लेंगे जो कनेक्टिंग वायर होते हैं, तो हम इसमें जो ब्लैक वायर है इनको हम ग्राउंड के लिए यूज़ करेंगे, जो रेड वाले वायर हैं इनको हम VCC या फिर इनपुट के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो LED है ये जब 0 होगी तो LED हमारी ऑफ रहेगी आउटपुट के लिए, और जब 1 होगी तो LED हमारी ऑन रहेगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि आउटपुट में आ क्या रहा है, 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है। तो हमारा ये जो IC है और गेट की, तो इस पर हम वर्क करते हैं। इसमें आपको IC डायग्राम में आप देखे होंगे जो हमारा पिन नंबर 1 होती है 2 होती है, ये इनपुट होता है, जो 3 होती है आउटपुट होता है, उसी प्रकार पिन नंबर 4 5 इनपुट होता है और आउटपुट क्या मिलता है 6 पे मिलता है। तो हम इसी पे इनपुट देंगे 4 और 5 पे, तो आउटपुट हम 6 पे लेंगे जो कि यहाँ पे हमें LED पे दिखाई देगा कि हाँ इनपुट हम क्या ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कनेक्ट करते हैं ग्राउंड। ग्राउंड कहाँ से कनेक्ट करेंगे, ये देखिए आप ग्राउंड यहाँ पे है, इसको किस पे देना, पिन नंबर 7 पे देना, पिन नंबर 7 पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ये तो ग्राउंड का वायरिंग हो गई हमारी। अब उसके बाद हम देंगे इस पर +5 वोल्ट जो कि VCC होगा। VCC हम किस पे देंगे, पिन नंबर 14 पे। तो VCC यहाँ से लेते हैं, किसी 5 टर्मिनल में से कहीं पे ले सकते हैं, 5ों में हमारा ग्राउंड और VCC ही है। तो हम इसमें VCC कनेक्ट कर दिए पिन नंबर 14 पे। अब हमें ये तो VCC होगा यानी IC ऑपरेट करने के लिए, तो हमें पावर सप्लाई दे दिए। अब इसमें इनपुट देने के लिए इनपुट हम यहाँ से देंगे, इनपुट क्या थे पॉजिटिव ही दिया जाता है, पॉजिटिव 5 वोल्ट ही इनपुट होता है। तो उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रेड वायर यूज़ करेंगे, रेड जंपर वायर। तो हम यहाँ से एक टर्मिनल ले लिए, हमारा एक इनपुट होगा, किस पे देना पिन नंबर 4 पे देना है, पिन नंबर 4 पे दे दिए, यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा पिन नंबर 4। और उसके बाद हम दूसरा इनपुट है उसको देना हमें पिन नंबर 5 पे, तो हम दूसरा इनपुट ले लिए यहाँ से और इसको दे दिए पिन नंबर 5 पे, दिए
ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिए पिन नंबर 5 पे, 4 और 5 पे हमारा इनपुट हो गया एक, और जो आउटपुट आएगा वो आएगा पिन नंबर 6 से, पिन नंबर 6। तो यहाँ पिन नंबर हमारा 6 है, ये देखिए आप स्लॉट खाली हुआ है, यहीं से हम पिन नंबर 6 पे कनेक्ट करेंगे और इसका आउटपुट कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ इस वाली एलईडी पे आउटपुट हमें इसका मिलेगा। तो यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते, अब इसका कनेक्शन तो पूरा हो गया। तो अब यहाँ पे हम 0 जो हमारे स्विच है यहाँ से हम 0 या 1 करेंगे, यानी ऑन और ऑफ करेंगे। तो हम पहले इसमें दोनों ऑफ की कंडीशन में है, अब इसको ऑन करने के लिए हम यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे। तो पहला हम ऑन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, यानी कि ऑन हो गया, यानी 0 और 1 हो गया। देखो दोनों कंडीशन 0 0 है, तो हमारा ये ऑफ है। अब 0 हो गया एक, तो हमारा मान लो इसको ए मान लो, इसको बी मान लेते हैं, तो इसमें ए को हम 0 रखते हैं, बी को 1 करते हैं, तो 1 किए हम इसको, तो 1 0 1 पे क्या 1 आ गया आउटपुट में, जो कि और गेट की ट्रुथ टेबल यही होती है। और दूसरे पे हम अब बी को 0 करते हैं, ए को 1 करते हैं, बी को 0 किए और ए को 1 किए, यानी ए को ऑन किए, तब भी हमारा आउटपुट में 1 आ रहा है, यहाँ पे एलईडी ब्लिंक कर रही है। अब तीसरा कंडीशन हमारा क्या है, दोनों को क्या करेंगे ऑन करेंगे, दोनों को क्या करेंगे ऑन करेंगे। तो यहाँ पे देखो ए को ऑन, बी को ऑन करें पहले से, और यहाँ पे ए को ऑन करेंगे। अब दोनों को ऑन करें तब भी हमारी एलईडी जल रही है, यानी 1 1 पे भी हमें 1 मिल रहा है। तो पहली कंडीशन हमारी क्या है, 0 0 0 0 पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। 0 और 1 पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। फिर 1 और 0 पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। फिर लास्ट कंडीशन हमारी क्या है, 1 एंड 1, तो हमारा यहाँ पे भी 1 मिल रहा है। ये जो आईसी है इसमें 2 इनपुट आईसी यूज की गई, इसलिए हम इसमें केवल 2 ही इनपुट यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई इनपुट यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी आईसी जो है 2 इनपुट पे कार्य कर रही है पूरी तरह। ये तो हमारे केवल एक ही गेट है, एक आईसी में 4 गेट होते हैं, तो एक गेट पे हम वर्क कर लिए। इसी प्रकार इधर जो 4 6 पिन बचे हुए इनका भी यूज कर सकते हैं, और इधर पिन नंबर 1 2 पे भी इनपुट देके हम 3 से आउटपुट ले सकते हैं, और उसी प्रकार इस पे भी कर सकते हैं। और अब ये तो आर गेट का पूरा एक्सप्लेनेशन था, ये आप आराम से कर सकते हैं। आईसी लें, आईसी पे आप ब्रेडबोर्ड भी बना सकते हैं या फिर पीसीबी बोर्ड भी बना सकते हैं, और आप जहां बनाना चाहें वहां भी बना सकते हैं। काम ऐसे करेगा, ये स्विच हम यहां से ऑपरेट करेंगे, 0 0 1 पे 0 0 हो गया, 0 1 हो गया, एंड 1 एंड 0 हो गया, और 1 एंड 1 हो गया, तब भी हमारा काम कर रहा है, ये आर गेट का हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में जब दोनों इनपुट हाई होते हैं, यानी 1 1 होते हैं, तभी हमें मिलता है। तो हम एंड गेट की आईसी लेंगे। एंड गेट की आईसी आप देख सकते हैं, ये वाली में 7408 है, इस पर हम वर्क करके देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट मिल रहा है। यह एंड गेट, एंड गेट का सिंबल इस प्रकार होता है हमारा, और इसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है, जब 2 इनपुट होते हैं ए और बी, तो हम इसके पॉसिबिलिटी कितने होंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 होंगे, ये हमारी पॉसिबल होंगे इसके। तो इसके आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, ये आपको पता है y इक्वल टू क्या देता है, a into b होता है, a into b, जो मल्टीप्लाई करेगा तो 0 0 को मल्टीप्लाई करेगा 0 ही आएगा, 0 1 को मल्टीप्लाई करेगा वो 0 आएगा, एंड 1 एंड 0 को मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आएगा, 1 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या 1 आएगा। तो यानी कि इसमें आउटपुट सिग्नल का मिल रहा है, जब दोनों सिग्नल हमारे 1 है, यानी कि ऑन दोनों सिग्नल हैं, ऑन कंडीशन में ए एंड बी, तभी हमें आउटपुट में ऑन का मिल रहा है, यानी कि 1 मिल रहा है, यानी एलईडी ऑन रहेगी। तो हम इसको भी गेट पे देख लेते हैं, गेट हमारी कौन सी है, गेट आईसी हमारे 7408 है, ये हमारा और गेट है। यहाँ पे आप सिंबल देख सकते हैं ए बी, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे मतलब क्यों क्या आता है, हमारा ए इंटू बी आता है, ये हमारी और गेट है। तो इसमें आईसी पिन के क्या होती हैं, इसमें ग्राउंड और वीसीसी, तो सभी पिन में कॉमन होता है, 7 पे और 14 पे ही देना रहेगा। और जो इनपुट होता है वो हर आईसी का अलग अलग होता है, जैसे इसमें हमारा है 1 2 पे इनपुट होगा, 3 पे आउटपुट मिलेगा, 4 5 पे इनपुट होगा, 6 पे आउटपुट मिलेगा, इधर हमारा हो जाएगा 9 10 पे इनपुट जाएगा और 8 पे आउटपुट मिलेगा। उसी प्रकार हमारा क्या होगा, 12 और 13 पे इनपुट होगा और 11 पे आउटपुट मिलेगा। तो ये चारों आईसी में से, चारों गेट में से किसी भी आईसी को हम यूज कर सकते हैं। तो हम इसमें यूज करेंगे 8 9 को और 10 पे आउटपुट लेंगे, कोई भी आईसी आप यूज करते हैं जो आपकी इच्छा हो। तो इसके लिए हम सीधे सप्लाई देंगे, पहले हम वीसीसी कनेक्ट करेंगे, उसके बाद ग्राउंड कनेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको इनपुट देंगे। तो हम सबसे पहले ग्राउंड कनेक्ट करते हैं, ग्राउंड कनेक्ट करना हमें किस पे, पिन नंबर 7 पे, तो पिन नंबर 7 पे हम ग्राउंड कर दिए। उसके बाद करना है वीसीसी, वीसीसी क्या +5 वोल्ट है, तो उसको हम रेड वायर से कनेक्ट करेंगे। ये +5 वोल्ट हम इसमें किसी भी पिन से ले सकते हैं, +5 वोल्ट उसको देना किस पे, पिन नंबर 14 पे। तो हमारा वीसीसी और ग्राउंड कनेक्ट हो गया, यानी कि सिम आईसी जो हमारी है ऑपरेट हो चुकी है। हमें इनपुट देना है, इनपुट कहाँ देंगे हम, यहाँ से, ये टर्मिनल है, सारे इनपुट के टर्मिनल हैं, तो यहाँ से हम देंगे इनपुट। तो हम रेड वायर यूज़ कर रहे हैं इनपुट के लिए, तो एक इनपुट हम यहाँ से ले लिए, एक किसी कहीं से भी ले सकते हैं, सारे इनपुट के लिए ही बने हुए हैं। तो एक हम यहाँ ले लिए, एक हमें किस पे देना है, 10 पे देना है, 10 पे, और दूसरा इनपुट हमें किस पे देना है, 9 पे देना है, दूसरा इनपुट हमें 9 पे देना है, 10 और 9 पे इनपुट दे दिए। ये हमारी पिन नंबर 10 है, यहाँ से आप देख सकते हैं पिन नंबर 10, और ये हमारा पिन नंबर 9 है, ये वाला हमारा पिन नंबर 9 है। और आउटपुट हमें कहाँ मिलेगा, 8 पे मिलेगा। तो आउटपुट जो हमें 8 पे मिलेगा, इसको कनेक्ट कहाँ करना है, इसी एलईडी पे कनेक्ट करना है, ये हमारी एलईडी पे कनेक्ट करना है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब दोनों 0-0 हैं तो हमें एलईडी क्या है, 0 है। जब दोनों 0-0 है तो एलईडी 0 है, यानी कि हम यहाँ पे 0 किए हैं, यानी कि दोनों को ऑफ किए हैं, तो यहाँ पे एलईडी भी हमारी ऑफ है। अब एक को हम 1 करते हैं तब भी एलईडी हमारा ऑफ है, अब एक को 1 करके दूसरे को 1 करते हैं तब भी हमारी ऑफ है एलईडी, जब दोनों को 1 कर रहे हैं तभी हमारी एलईडी ऑन हो रही है। यानी कि जब हम दोनों को 1-1 कर रहे हैं, दोनों इनपुट को यहाँ पे देख लो 8 और 9 पे जो इनपुट हमारा है आईसी का, इस पर हम दोनों को 1-1 कर रहे हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ऐसे हम एक को दोनों को जब 0 करते हैं तो हमारा आउटपुट में क्या 0 मिल रहा है, या किसी एक को 1 करते हैं तब भी आउटपुट में 0 मिल रहा है, ए को या बी को किसी एक को इनपुट करते हैं 1 करते हैं तो 0 ही मिल रहा है जब तक दोनों को 1 नहीं करते हैं। जब दोनों को 1 कर दिए हैं ए और बी, यहां से देख सकते हैं आप ए और बी दोनों को 1 कर रहे हैं तो हमारा क्या मिल रहा है, आउटपुट 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोनों सिग्नल हमारे क्या हैं, 0-0 हो गए। तो जब 0-0 है तो यहाँ पे एलईडी देखो एकदम 0 है, यानी कि ऑन नहीं है ये वाली एलईडी जो इनपुट आउटपुट के लिए हम कनेक्ट किए हैं। और जब इसको हम 1-1 कर रहे हैं, यहाँ पे जो सिग्नल है 1-1 कर रहे हैं तो एलईडी हमारी क्या ऑन हो जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से विजिबल हो रहा होगा, ये गेट हमारी है, इसमें 10 और 9 पे इनपुट दिए हैं और 8 से हम आउटपुट लिए हैं। ये जो केबल हमारी है ये हमारी आउटपुट की केबल है। तो आईसी आप देख सकते हैं, इस पर समझ में आ रहा होगा आपको। ये तो था हमारा एंड गेट। अब इसके बाद हम देखते हैं नॉट गेट, यानी कि जो हमारा बेसिक गेट है और एंड और नॉट, इन गेट को आज हम देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे यूनिवर्सल गेट। तो हमारा और गेट हो गया, उसके बाद एंड गेट हो गया, अब हम देखते हैं नॉट गेट, जो कि ये हमारा है नॉट गेट। इसमें आपको बता दें इसमें 6 गेट होते हैं, क्योंकि एक ही इनपुट होता है एक ही आउटपुट होता है। तो इस प्रकार इसमें कितने गेट हो जाते हैं, 6 गेट इसमें दिया जाता है। यानी जब एक को 1 देंगे तो दूसरा हमारा 0 आएगा। तो हम इसको देखते हैं पहले इसका ट्रुथ टेबल, उसके बाद फिर आईसी पे वर्क करते हैं। तो ये हमारा नॉट गेट लेते हैं अब। तो नॉट गेट हमारा सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, उसके इनपुट क्या होते हैं, ए। इनपुट पे हम ए लिए तो ए को जब 0 देंगे तो आउटपुट में क्या आएगा, 1 आएगा। 1 देंगे तो 0 आएगा, यानी कि इन्वर्ट करता है। 0 देंगे तो ऑफ करेंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा, ऑन मिलेगा। जब ऑन करेंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा, ऑफ होगा। तो यही होता है, 0 को 1, 1 को एंड 0 करता है। तो यहाँ पे 0 मतलब क्या है, ऑफ हो गया, और 1 मतलब हमारा ऑन हो गया। तो इसको हम इस आईसी पे देखते हैं, जो इसकी आईसी हमारी 7404, ये हमारी आईसी नॉट गेट की। तो इसमें पिन नंबर 1 पे देंगे इनपुट, पिन नंबर 2 पे हमें आउटपुट मिलेगा, और इस पर पिन नंबर 7 पे ग्राउंड देना, पिन नंबर 14 पे हमें वीसीसी देना है, प्लस 5 वोल्ट। ये तो कॉमन ही होता है, सब पे ऐसे ही दिया जाएगा। शुरू करेंगे इसका कनेक्शन। तो सबसे पहले फिर बिल्कुल ग्राउंड जैसे कनेक्ट करते थे, पिन नंबर 7 पे ग्राउंड कनेक्ट कर देंगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या करेंगे, पिन नंबर 14 पे करेंगे हम वीसीसी, जो प्लस 5 वोल्ट बोलते हैं। तो वीसीसी कनेक्ट कर दिए, अब इस पर देना है इनपुट और आउटपुट। तो इसका सिंपल है, इनपुट हम दे देंगे पिन नंबर 1 पे, पिन नंबर 1 पे इनपुट यहाँ ले लिए, और उसके बाद आउटपुट जो हमें लेना है पिन नंबर 2 से लेना है। जिसके पिन डायग्राम में आप समझ गए होंगे कैसे कैसे लेना है, पिन डायग्राम आप जरूर देखें। तो यहाँ से हम देख लें, पिन नंबर 1 से क्या इनपुट दिए, पिन नंबर 2 से हम लिए आउटपुट। तो यहाँ देखो सिग्नल हमारा हाई है, ये वाला जो पिन है ये हमारा हाई है, ये वाला हाई। तो आउटपुट देखो यहाँ पे 0 आ रहा है, और उसी प्रकार हमारा जो इसको 0 करेंगे, जब ये वाले सिग्नल को हम करेंगे 0, ये 0, तो आउटपुट देखो 1 आ रहा है, यानी कि एलईडी हमारी ब्लिंक कर रही है। फिर इसको हम 0 करेंगे, सॉरी 1 करेंगे, तो हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, 1 करेंगे, 0 करेंगे तो हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा, और फिर इसको 1 करेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा। 0 एंड 1 0 एंड 1 ऐसे हमारा चलता रहता है। यानी कि जब सिग्नल हम इधर से हाई करेंगे इनपुट पे, पिन नंबर 1 पे हम इसको हाई देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। जब हम यहाँ पे 0 देंगे तो हमें यहाँ पे हाई मिलेगा। तो हमारा ऐसे ही काम करता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जब हम इसको 1 करते हैं तो हमारा यहाँ पे 0 आ रहा है। देखो यहाँ पे 1 किए हैं तो ये 0 आ रहा है, उसके बाद जब इसको 0 करते हैं तब यहाँ पे 1 आ रहा है। तो बहुत से बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हाँ, जब हम इसको इस पोटेंशियल नहीं दे रहे हैं, कोई वोल्टेज नहीं दे रहे हैं, तो ये एलईडी हमारी ब्लिंक कैसे कर रही है। तो उनको हम बताना चाहेंगे, जो हम यहाँ पे ग्राउंड और वीसीसी कनेक्ट किए हैं, जो ग्राउंड और वीसीसी कनेक्ट किए हैं आईसी को ऑपरेट करने के लिए, तो उसका पोटेंशियल यहाँ पे आता है। क्योंकि आईसी को ऑपरेट करने के लिए प्लस 5 वोल्ट तो आप दे चुके हो, तो जो आईसी जो काम कर रही है इसी पे काम कर रही है। बाय चांस अगर हम इसको हटा भी लेते हैं, जो ये पिन है इनपुट की, वो हटा भी लें, तब भी हमारा आउटपुट में आएगा, क्योंकि इसको तो अब 0 दे दिए हैं। हमें 1 देने के लिए इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 देने के लिए टर्मिनल जब तक कनेक्ट नहीं होता तब तक 1 दे कैसे पाएंगे। तो हम इसको 1 देने के लिए हम इसको कनेक्ट करेंगे, तब जाके हमारा 1 इस पे जाएगा और ये 0 हो जाएगा। 1 जब गया तो ये 0 हो जाएगा, जब 0 होगा तब तो ये कनेक्ट करेगा। तो ये जो 0 पे हमारी एलईडी है ब्लिंक कर रही है, ये इसके जो वीसीसी और प्लस 5 वोल्ट कनेक्ट किए, ग्राउंड प्लस 5 वोल्ट, उसके तौर पे एक वीसीसी हमारी जो एलईडी है वो ब्लिंक कर रही है। यानी कि आईसी जो काम कर रही है वो
प्लस 5 वोल्ट पे काम कर रही है। तो इस प्रकार हमारा नॉट गेट का होता है पिन डायग्राम। इसमें इधर भी हमारे गेट होते हैं, इसमें 6 गेट होते हैं, जैसे यहाँ पे 3 और 4 पे निकल जाएगा गेट, 5 पे इनपुट देगा 6 पे का हमारा आउटपुट आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 13 पे इनपुट देगा 12 पे आउटपुट आएगा, 11 पे इनपुट देगा 10 पे आउटपुट आएगा, 9 पे इनपुट देगा और 8 पे आउटपुट आएगा। तो इसमें 6 कुल मिला के गेट होते हैं, क्योंकि इसमें एक ही इनपुट होता है एक ही आउटपुट होता है, और जितने भी आईसी हैं उसमें 2-2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट, इसलिए 4 गेट उसमें दिए जाते हैं एक आईसी के अंदर। ये सारे गेट 2 इनपुट वेरिएबल के गेट, 2 इनपुट के आईसी गेट हैं, इसलिए इसमें केवल 2 ही इनपुट हम दे सकते हैं, 3 इनपुट देने के लिए हमें दूसरी आईसी यूज करना पड़ेगा। आई होप आप सभी को जो बेसिक गेट हैं वो समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे यूनिवर्सल गेट, और यूनिवर्सल गेट के प्रयोग करके जो आईसी बनाई जाती हैं तो उनको हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।